आप सभी जानते हैं कि देश में महंगाई की मार से हर नागरिक परेशान है। हम चाहते थे कि हाउस के अंदर पार्लियामेंट में इसकी बहस हो कि जो हालत आज देशवासियों के है महंगाई को लेके, उसकी चर्चा हो। हमारे नेता खड़गे जी ने और कई लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं ने लोकसभा में भी हमारे नेता ने और लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं ने 267 के तहत नोटिस दिया था, क्योंकि पार्लियामेंट वो बहस करने का प्लेटफॉर्म है, आवाम के महत्व के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते थे कि आइए हमारी बात सुनिए और सरकार ये क्यों कर रही है इसका जवाब दे। हम मानते थे कि कम से कम आज हाउस के अंदर जब हम जाएंगे तो यहां चर्चा का मौका दिया जाएगा। आप सभी ने देखा है, इस देश ने देखा है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी और सरकारें जब जब भी रही, ऑपोजिशन मांग करती थी, कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं भी होता था, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने बाकी काम को रोक के उन मुद्दों पे चर्चा दी थी। आज हम जब ये मांग कर रहे हैं, हमें चर्चा नहीं दी जाती है और सिर्फ सरकार का मनमानी वाला काम हो तो ऐसे तो पार्लियामेंट नहीं चलती है। पास्ट में बार बार जब ये ऑपोजिशन में तब कहते थे कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना भी एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक है और ऑपोजिशन का ये सबसे बड़ा हथियार है और इस हथियार को ऑपोजिशन को बार बार यूज करना चाहिए, वो भाजपा के नेता ही कहते थे।